हाँ भाई, कितना बनवा दूँ? 5 किलो बाजी। 5 किलो? पहले पैसे निकालो। अरे बाजी बनाओ तो। तुम भाग जाओगी आपा, मुझे पता, पहले पैसे निकालो। अरे बाजी, इनका गोश्त है लाजवाब, मतलब मिराज भाई का नहीं, ये तो जानवर लटका हुआ है, वो है बड़ा कोई जबरदस्त। 5 किलो बता दो बाजी। हड्डी वाला बगैर हड्डी वाला? ये देखें जनाब, अच्छा जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ऑरेंज टाउन 12 नंबर के गोश्त मार्केट पे। आप देख सकते हैं चौरंगी के ऊपर ही इस वक्त काफी सारी गोश्त की दुकानें हैं और इर्द गिर्द मुझे नजर आ रही है। थोड़ा सा मैं आपको घूम करके दिखाऊं, मेन रोड पे हैं ये सारी दुकानें और हर जगह आप देख सकते हैं इस वक्त लोगों का रश लगा हुआ है। और यहाँ ऐसी एक दुकान है जहाँ हम आपको लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जनाब आज हम आपको लेकर आए कराची, बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर नहीं लाए, अभी सिर्फ हम मौजूद हैं औरंगी टाउन 12 नंबर पे। मेराज कुरैशी बी शॉप की बड़ी धूम मची हुई, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी धूम में अपना थोड़ा सा हिस्सा डालें। 350 रुपए किलो गोश्त जो आपको मिल रहा था, बगैर हड्डी वाला या हड्डी वाला जो भी था, उसकी डिटेल आपने देखी। लेकिन आज जो हम आपको लेकर आए वो हम दिखाएंगे कि रेट क्योंकि बढ़ गए हैं, जाहिर सी बात है इनके पास जो पीछे से माल आ रहा है वो महंगा हो गया, 50 रुपए इन्होंने उसके ऊपर बढ़ा दिए। 350 रुपए किलो वाला गोश्त आपको मिल रहा है 400 रुपए का। लोगों के सवाल ये है कि ये पानी वाला गोश्त है या किसी मरे हुए जानवर का गोश्त है, या कमेले में जो जानवर एक्सपायर हो जाते हैं उनको स्टैंप नहीं लगाई जाती, ये वो वाले जानवर है। ये सारे खदशात आज हम लेकर आए यहाँ और ये हम मालूमात करेंगे मेराज भाई से या अली भाई से, ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ के लोगों से जानेंगे जो लोग यहाँ से गोश्त लेके जा चुके हैं और दोबारा यहाँ पे आए। तो हमारे साथ रहेगा, जो लोग मेरे चैनल पे नए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को करते स्टार्ट, रहिएगा हमारे साथ। आइए जनाब, ये देखिए आप गोश्त की सफाई की जा रही है। आप देख सकते हो किस तरह से आपके सामने गोश्त की सफाई की जा रही है और ये तैयार कर रहे हैं यहाँ पे गोंग, जो कि आप देख जानते हैं कि गोंग जो है वो निहारी वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, रेशेदार गोश्त होता है और इसकी सारी हड्डी लगी इसके साथ इसको ही अलग किया जा रहा है। ये आप क्या बना रहे हैं जरा सा बताएंगे मुझे? बोंग है? बोंग करेली, करेली का गोश्त है। करेली? करेली, करेली क्या होता है ये? अच्छा, आपकी जबान में इसको बोंग कहा जाता है, सही। इसका बोंग क्या किलो है यहाँ पे आपके पास? 400 रुपए हड्डी वाली। वेरी नाइस। भाई हमारे यहाँ पर भी ये बोंग की सफाई कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, ये साथ इसके वो जो नरोठे होते हैं ये वही हैं? नरोठे आपके पास क्या किलो है? सिर्फ हड्डी के साथ ही हो गए, ठीक हो गया। ये देखे जनाब, ये देखे सर, 2 मिनट आपके मिलेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे गोश्त के बारे में, क्वालिटी के हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे। मैम गोश्त है भी अच्छा और रूखा गोश्त है, कोई ऐसे मिक्स पानी वाला और ये सारे खदशात के बारे में क्या कहेंगे आप? कोई पानी वाला नहीं है, अगर पानी वाला तो खुद आके यहाँ चेक कर सकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, खुद यहीं काट रहे हैं सब कुछ, यहीं जिबा कर रहे हैं आप। मैं तो लेने के लिए आया था 1 किलो। अच्छा। मैं ख्याल आस पड़ोस का भी मैंने ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ से गोश्त लेने आए, क्या कहेंगे गोश्त के बारे में, क्या क्वालिटी है, क्या वजन है? बहुत अच्छा गोश्त है। अच्छा है जी जी, बहुत अच्छा। क्या रेट पे लिया आपने आज? ये 600 रुपए और 350 रुपए। 600 रुपए और 350, मतलब हड्डी वाला बगैर हड्डी वाला? बगैर हड्डी वाला जी। कितना आपने इस वक्त लिया गोश्त जी आपके हाथ? 4 किलो लिए। 4 किलो लेके जा रहे हैं, इससे पहले कभी आपने लिया है यहाँ पे गोश्त? 2 दिन बाद लेके। कोई शिकायत वगैरह हिसाब से आई, गलने वगैरह में कोई परेशानी तो नहीं करता? चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ आए मेराज कुरैशी बीफ हाउस पे, आपने यहाँ पे गोश्त परचेज किया, क्या कहेंगे इस बारे में, क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में कुछ बताएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कुछ जगहों पे लोग 800 रुपए किलो गोश्त बेच रहे हैं, यहाँ पे मिल रहा है ये गोश्त 350 रुपए किलो। अच्छा, सस्ता देख के लोग इतना रश यहाँ पे लगा रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये हड्डी वाला 350 रुपए दे रहे हैं और 600 रुपए का दे रहे हैं बगैर हड्डी का, और बाहर जो चल रहा है 850-900 रुपए किलो,
हड्डी वाला मिल रहा है। पहले आपने कभी ट्राई किया यहाँ पे? मैंने यहाँ से ट्राई किया था लेकिन मुझे वो मजा नहीं आया ना। मैंने इसको कीमा करके ब्लेंडर में डाला तो वो कीमा बन नहीं पाया उसको, बस वो गोश्त वो मिक्स ही नहीं हो पा रहा था उसके अंदर। ये हाँ ये शिकायत थी मुझे, इस वजह से मैंने ये गोश्त लेना ही बंद कर दिया। आज मैं कहीं और से लिया है गोश्त, यहाँ से नहीं लिया। लेकिन लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर दिल मुतमईन होता है तब आप यहाँ से गोश्त खरीदे, वरना यहाँ से गोश्त लेने का आपका कोई फायदा नहीं। जी मैं औरंगी टाउन के लिए आई। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको गोश्त चाहिए, कीमा चाहिए, बोटियाँ मनवानी है, हड्डी वाला चाहिए, बगैर हड्डी वाला चाहिए, तो इस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और गोश्त लेकर जा रहे हैं। तो यह मैं आपको मजीद अपडेट इसके हवाले से देती हूँ, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसकी सफाई वगैरह की जा रही है, किस तरह से कटिंग करके इसकी तोल किस तरह से है, इसकी क्वालिटी क्या है। ये देख सकते हैं आप, ये साहब इस वक्त यहाँ से 8 किलो गोश्त लेके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रीजन है। वो कहते हैं कि जी मैं रोज का तकरीबन कस्टमर हूँ, जबकि अभी रमजान की तैयारी शुरू नहीं हुई। जी जनाब, तो जनाब देख सकते हैं कि महराज भाई किस तरह से लोगों के ऑर्डर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, गोश्त वगैरह तैयार हो रहा है, कटिंग हो रही है, इसके बाद जो है कट होने के बाद यहाँ पे इनके काउंटर पे लाके रखा जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि उसकी सफाई करके यहाँ पे लाया जा रहा है, फिर ये इसको तोल कर लोगों के हवाले कर रहे हैं। हड्डी वाला आपको चाहिए, बगैर हड्डी वाला चाहिए? बगैर हड्डी वाला जो है वो, बगैर हड्डी वाला आप क्या किलो दे रहे हैं? 600 रुपए किलो, और हड्डी वाला जो है वो 350 रुपए किलो है, ऐसा ही है ना? ठीक हो गया जनाब। अंकल आप क्या कहेंगे गोश्त के बारे में, कुछ बताएंगे लोगों को जरा? नहीं गोश्त तो सही है, पहले भी हम लेकर गए हैं, गोश्त अच्छा। तो कोई वो नहीं है। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले आपने पकाने वगैरह में, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई परेशानी, लोगों को बड़ी शिकायत है पानी वाला गोश्त दे रहे हैं, मतलब वही वाली बात है कि किसी को कुछ नहीं देख सकते ना वहाँ, बस लोग तो बहुत बातें बताते हैं। एक चीज सस्ती मिल रही है, गोश्त तो बिल्कुल सही है। सही है बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पाया। आज आपने कितना किलो गोश्त लिया यहाँ से? 8 किलो लिया। 8 किलो माशाल्लाह, मतलब आप रमजान की तैयारी स्टार्ट हो गई? नहीं रमजान का तो इंशाल्लाह बाद में लेके जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, कितना गोश्त लिया आपने यहाँ से? मैंने यहाँ से 7 किलो गोश्त। माशाल्लाह 7 किलो गोश्त आपने लिया, इससे पहले भी कभी लिया आपने? जी जी इससे पहले मैं काफी दफा ले जा चुकी हूँ, अभी रिलेटिव के लिए लेके जा रही हूँ। ये रमजान की तैयारी कर रही है? जी जी बिल्कुल, रमजान के कबाब बनेंगे वगैरह और बहुत सारी चीजें लगाएंगे। और जो है ये मुझे बताइएगा कि आपने इससे पहले कभी लिया, कभी ऐसा हुआ कि किसी चीज में कोई कंप्लेन आई गोश्त के हवाले से? नहीं गल नहीं रहा है और नहीं है मसला मसाला, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं, और बिना पानी का गोश्त है और गोश्त बहुत अच्छा है। आप यहीं की कहीं की रहायशी है? जी मैं यहीं रहती हूँ। थैंक यू सो मच। हड्डी वाला 400 हो गया, बगल हड्डी का 600 रुपए किलो। जी ये माल पीछे महंगा हो गया, पीछे से इस मिला पे माल महंगा। जी अगर आप चाहते हैं तो 400-700 रुपए किलो भी कट सकते हैं जी, लेकिन 50 रुपए बढ़ाए, 50 रुपए बढ़ाए जायज। जी ये होलसेल गरीबों की खिदमत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जी आप चाह रहे हैं कि हर कोई गोश्त खा रहे हैं? यही लोग कहते हैं बकरे रमजान में भी खा रहे हैं। ये गाय का गोश्त 600 रुपए किलो, बगैर हड्डी वाला 600 रुपए। वेट किया जा रहा है 8 किलो गोश्त। यार एक मिनट ऐसी रखो, इनका मोबाइल पहले मुझे दे देंगे, इसके बाद बनाना है। पट्टी बंदी भी अभी तक। ये भाई कुछ नहीं, नहीं नहीं मेहनत का काम है माशाल्लाह। भाई ये आप चेक करो इस तरीके से ये काम हो रहा है, और बड़ा आप सबके सामने। आपको लाइव दिखाने का मकसद ये, किसी किस्म के जो खदशात हैं कि फला है तो धमाका है, पानी वाला है, शरबत वाला है, रूह अफजा डाला हुआ है, नौरस डाला हुआ है, जो कुछ भी डाला हुआ है आपके सामने, आप नॉरस वाला लेना चाहे, रूह अफजा वाला लेना चाहे, सब कुछ आपके सामने। लेकिन पीछे से बाहर बहुत महंगा आ रहा है, इनको महंगा मिल रहा है, तो इसलिए 50 रुपए से बढ़ा दिए गए हैं, जो कि आज आपको मिल रहा है 400 रुपीज के जी, बगैर हड्डी वाला 600 रुपए किलो मिलेगा आपको। मेरी बेटी है, बहुत प्यारा गोश्त है, ये तो ऐसा लगा रिजवान मिलेगी। इतना क्लोज करके दिखाने का मकसद ये कि थोड़ा सा और जूम करूं, जहाँ से आपको अंदाजा हो जाए कि पानी कहाँ से निकल रहा है, कहीं भी नहीं है। ये जो चिकनाई जो फैट नजर आ रहा है वो जाहिर सी बात है बच्चिया का अपना है, रूखा गोश्त है। ये देखें बिल्कुल करीब से आपको, ये देखें बिल्कुल
तो जनाब आपके सामने में आ गई हूँ। अब इस वक्त मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं जो कि किस तरह से बच्चे के गोश्त में से हड्डियाँ वगैरह अलग कर रहे हैं। इसमें से जो एक मेरे भाई हैं यहाँ पे वो जो है बोंग अलग कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कुछ लोगों को हड्डी वाला गोश्त चाहिए, कुछ को बगैर हड्डी वाला चाहिए, तो उसी हिसाब से गोश्त को यहाँ तैयार किया जा रहा है और उसकी कटिंग की जा रही है। हड्डियाँ अगर वाला जाला चाहिए तो आपको हड्डी वाला भी मिल जाएगा, बगैर हड्डी वाला चाहिए बगैर हड्डी वाला मिल जाएगा। तो जनाब इसके साथ ही वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग समझ में आएगा, जो खदशात थे वो खत्म हो गए होंगे, लोगों से मालूम किए यहाँ के मामलात किस तरह से गोश्त मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ लाजिम विजिट करें, इस ऑफर से फायदा उठाएं, रमजान आने वाले मजेदार पकवान सजाएं का दस्तरखान हर घर में क्योंकि आ रहा है रमजान। अपने भरपूर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।